हनी भाई, इससे पहले आप पुष्पा में समाजवादी पार्टी में थे, अचानक एकदम से आपका रूप बदल जाना और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेना? देखिए भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जिले की आवाम को, अपने प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश सिंह यादव का इतना जनाधार पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है कि बहुत बड़ी एक तूफानी लहर 2022 विधानसभा चुनाव में आने वाली है। इसी को देखते हुए मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के विचारों को उनके प्रभावित होकर, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर मैंने समाजवादी पार्टी का जो दामन संवारा है, पकड़ा है जी। समाजवादी की जो नीतियाँ हैं उन्हीं के अनुसार आप चलेंगे जी? भाई, समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और इस पार्टी के अंदर जो भी कार्यकर्ता नेता लोग हैं वो सब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश का ही फॉलो करते हैं और मैं भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह यादव जी के जो दिशा निर्देश होंगे पार्टी को की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं पार्टी में काम कर रहा हूं और जो भी पार्टी की योजनाएं पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई थी वो मैं सब जाके लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। लोगों ने बहुत लाभ उठाए हैं माननीय अखिलेश सिंह जी की यादव जी की नीतियों के योजनाओं से और लोग बहुत खुश हैं। अभी आपको मालूम हो कि एक समाजवादी पार्टी का निधन हो गया है, समाजवादी पार्टी के नेता का। अब उनके बेटे को उनकी जगह लोगों ने उतारा है, तो उसके विषय में क्या कहना है? आपके चैनल से मैं अपने क्षेत्र व प्रदेश वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच जनाब हाजी साहब कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार नहीं रहे हैं। उनके निधन से हमें और हमारी पूरी समाजवादी पार्टी को बहुत तकलीफ हुई है और हम लोग बहुत दुख जाहिर कर रहे हैं। उनकी कमी हम लोग पूरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात आती है उनके परिवार की विरासत को लेके, तो राजनीति में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जनता सर्वोपर है। जो जनता जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय और जो दिशा निर्देश होंगे उसको मैं फॉलो करूंगा